अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ट्रायल एप्टीट्यूड लाइव लेक्चर हम यहाँ कंडक्ट कर रहे हैं, जिसमें हम ये देखना चाह रहे हैं कि अगर बराए रास्त लेक्चर अगर स्टूडेंट को क्लियर तरीके से समझ में आ रहा है तो हम कोशिश करेंगे कि रोज़ाना बराए रास्त कुछ टाइम हम स्टूडेंट के लिए निकालें और स्टूडेंट को ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करने की कोशिश करें। तो इसमें हमारे पास इस ट्रायल लेक्चर में हमारे पास हम जो है वो चैप्टर 3 फर्स्ट ईयर फिजिक्स के हवाले से हम कुछ बातें डिस्कस करना चाह रहे हैं, जिसमें हम एप्टीट्यूड डिस्कस करने से पहले हम जो है वो सबसे पहले न्यूटन्स के 3 लॉ जो है वो हम यहाँ रिवाइज करेंगे, जिसमें न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है जिसे लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। याद रखिएगा एमसीक्यू का ये वाज़े पॉइंट है जिसमें पूछा जाता है कि न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का दूसरा नाम क्या है, तो उसका नाम है लॉ ऑफ इनर्शिया। इसी तरीके से न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की स्टेटमेंट आपको आनी चाहिए, जिसमें कहा जाता है कि जो भी चीज़ जिस स्टेट में है वो उसी स्टेट में ही रहती है जब तक के उसके ऊपर कोई अनबैलेंस फोर्स अप्लाई ना हो। अ बॉडी कंटिन्यूस इट स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अनलेस इट इज एक्टेड अपॉन बाय एन अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स। किसी भी बॉडी पर जब तक आप अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते हो तब तक वो बॉडी जिस स्टेट में है, अगर वो मोशन की स्टेट में है तो वो बॉडी मोशन की स्टेट में ही रहती है, और अगर कोई बॉडी रेस्ट की स्टेट में है तो वो रेस्ट की स्टेट में ही रहती है। ये न्यूटन फॉर रहेगी, रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी तब तक कि उसके ऊपर कोई अनबैलेंस फोर्स अप्लाई ना हो। ये न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की स्टेटमेंट है जिसे लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। इनर्शिया एक ऐसी प्रॉपर्टी का नाम है जिसमें जो बॉडी जिस स्टेट में होती है वो उसी स्टेट में ही रहेगी, और ये इनर्शिया मास पर डिपेंड करता है। ये भी एमसीक्यू का एक वाज़े पॉइंट है कि जिस बॉडी का जितना ज़्यादा मास होगा उसमें उतना ही ज़्यादा इनर्शिया होगा। जैसे एक ट्रक है, ट्रक अगर 5 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से आ रहा है और दूसरी कंडीशन में साइकिल जो है वो 5 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से चल रही है, किसको रोकना मुश्किल होगा? जिसका मास ज्यादा होगा, क्योंकि जिसका मास ज्यादा है उसके पास इनर्शिया ज्यादा है, और इनर्शिया एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से जो बॉडी जिस स्टेट में होती है वो उसी स्टेट में ही रहती है। तो इनर्शिया की भी आपको डेफिनेशन रिवाइज करनी होगी। इसी तरीके से फोर्स, फोर्स एक ऐसा एजेंट है जो किसी भी बॉडी की स्टेट को चेंज करने की सलाहियत रखता हो, यानी वो बॉडी अगर रेस्ट में है तो उसको रेस्ट से मोशन में लाने की सलाहियत जो चीज जो प्रॉपर्टी होती है जो उसकी स्टेट को चेंज कर सके उसे फोर्स कहते हैं, और अगर कोई चीज मोशन में उसको रेस्ट में लाना है तो भी फोर्स का किरदार है कि फोर्स उसकी स्टेट को चेंज कर सकता है। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को आपने रिवाइज करना है, साथ ही साथ जो है इसे लॉ ऑफ इनर्शिया कहा जाता है, इनर्शिया की क्या डेफिनेशन है वो डिस्कस की, फोर्स की क्या डेफिनेशन है वो डिस्कस की। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की अगर हम बात करते हैं तो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। पहले न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में कहा गया कि जब किसी बॉडी के ऊपर एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स अप्लाई नहीं करोगे तब तक स्टेट चेंज नहीं होगी, जबकि न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कहता है कि अगर किसी बॉडी पर अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करोगे तो क्या होगा। तो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कहता है कि अगर किसी बॉडी के ऊपर एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स अप्लाई होगी तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी, और वो एक्सेलरेशन जो होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगी, फोर्स के। जितनी ज्यादा फोर्स होगी उतनी ज्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी, और वो एक्सेलरेशन जो होगी वो मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। शर्त है कि अगर फोर्स कांस्टेंट है, याद रखिएगा दो अलग अलग बातें यहां है, अगर फोर्स कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस होगी वो मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, जितना ज्यादा मास होगा उतनी कम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी, और अगर मास कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन जो है वो उतनी ज्यादा प्रोड्यूस होगी जितनी ज्यादा फोर्स होगी। तो यहां दो बातें हैं कि अगर किसी बॉडी के ऊपर एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स अप्लाई होगी तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी, और वो एक्सेलरेशन जो होगी वो मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी अगर फोर्स कांस्टेंट है, और वो एक्सेलरेशन उतनी ही ज्यादा प्रोड्यूस होगी जितनी ज्यादा फोर्स है। शर्त है कि मास जो है वो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। इन दोनों रिलेशन को हम यहां ऐड करते हैं, ऐड इक्वेशन, अगर से इक्वेशन 1 कंसीडर कर रहे हैं
इसे इक्वेशन टू कंसीडर कर रहे हैं, तो इक्वेशन वन और टू को हम यहां ऐड करते हैं, तो ये हो जाएगा एक्सेलरेशन, प्रोपोर्शनिटी, फोर्स और एम। प्रोपोर्शनिटी हटाते हैं, हमारे पास आता है यहां कांस्टेंट, और याद रखिएगा यहां न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में यहां कांस्टेंट की वैल्यू जो होती है वो वन होती है। तो यहां हमने के, यहां आएगा के वन के बराबर है, तो इसीलिए हमने अलग से शो नहीं किया। तो यहां हमारे पास ये फॉर्मूला ड्राइव हो जाता है, एफ बराबर है एम ए के, ये न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का फॉर्मूला है। याद रखिएगा फोर्स की यूनिट जो होती है वो वन न्यूटन है, और इस फॉर्मूले के मुताबिक वन न्यूटन बराबर होता है 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम जो होता है वो बराबर होता है फोर्स के, तो ये भी फॉर्मूला आपने याद रखना है। फिर इसी तरीके से न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो है वो हमें क्या करना है, रिवाइज करना है। और न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो है इसमें कहा जाता है फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर एक्शन का इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होता है, ये न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन की स्टेटमेंट है। तो ये तीन लॉ यहाँ हमने जो है वो रिवाइज किए हैं, और अब इन तीनों लॉ से रिलेटेड हम एमसीक्यू यहाँ डिस्कस करते हैं, जिसमें इनकी एग्जांपल भी आपको आहिस्ता आहिस्ता समझ में आना शुरू हो जाएगी। तो सबसे पहले एमसीक्यू, अगर इसका आंसर अगर आपको आता है तो कमेंट में लिखें, यहाँ हमें पता चल जाएगा। आप पहले खुद कोशिश करेंगे एमसीक्यू नंबर वन का आंसर, प्लीज पार्टिसिपेट करें। जो लोग यहाँ इस वक्त लाइव देख रहे हैं तो वो एमसीक्यू नंबर वन का आंसर यहाँ कमेंट में लिखेंगे, फिर इस एमसीक्यू नंबर वन की एक्सप्लेनेशन जो है वो मैं यहाँ आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, और आप देखिएगा कि आपका आंसर सही है या नहीं। तो एमसीक्यू नंबर वन में पूछा जा रहा है, इट इज डिफिकल्ट टू स्टॉप अ हैवी बॉडी एज कंपेयर टू अ लाइट बॉडी ड्यू टू, एक हैवी बॉडी जो है उसको रोकना मुश्किल होता है बनिस्बत लाइट बॉडी के। ऑप्शन ए एक्सेलरेशन, बी इनर्शिया, सी वेट और डी ग्रेविटी। एक हैवी बॉडी को रोकना ज्यादा मुश्किल होता है लाइट बॉडी के मुकाबले में, इसकी वजह क्या है? ए में कहा जा रहा है एक्सेलरेशन, बी में कहा जा रहा है इनर्शिया, सी में कहा जा रहा है वेट और डी में कहा जा रहा है ग्रेविटी। अगर इस एमसीक्यू का सही आंसर अगर आपको आता है तो आप कमेंट में यहां लिख दें, फिर हम इसकी एक्सप्लेनेशन देने जा रहे हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है इनर्शिया, क्योंकि अभी हमने बात की थी कि इनर्शिया एक ऐसी स्टेट होती है, इनर्शिया एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से कोई भी बॉडी अपनी स्टेट को चेंज, कोई भी बॉडी अपनी स्टेट को चेंज नहीं करना चाह रहा। तो आसिफ रजा टीवी नाम से एक कमेंट आया है जिन्होंने बिल्कुल सही आंसर दिया है, वो है इनर्शिया, बी इज द करेक्ट आंसर। शाबाश आसिफ, आपने बिल्कुल सही आंसर दिया है। तो इनर्शिया जो है एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से एक हैवी ऑब्जेक्ट को रोकना मुश्किल होता है। आलिया भुट्टो के नाम से भी एक कमेंट आया है इनर्शिया, उन्होंने भी बिल्कुल सही आंसर दिया है, क्योंकि जिसका जितना ज्यादा मास होता है उसके पास इनर्शिया उतना ज्यादा होता है, और जिसके पास इनर्शिया ज्यादा होगा उसको स्टेट को चेंज करना मुश्किल होगा। तो दो स्टूडेंट का आंसर जो है वो बिल्कुल सही आया है, शाबाश। एमसीक्यू नंबर टू, अगर इसका आंसर आपको आता है तो आप कमेंट में लिखिएगा, द एजेंसी विच चेंजेस और टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड। वो एजेंसी जो किसी भी बॉडी की स्टेट को चेंज करने की सलाहियत रखे, चाहे अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट वाले को मोशन में लाने की सलाहियत रखे, और अगर वो ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसे रेस्ट में लाने की सलाहियत रखे, उस एजेंसी को क्या नाम दिया जाता है? ए में कहा जा रहा है इनर्शिया, बी में कहा जा रहा है फोर्स, सी में कहा जा रहा है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, डी में कहा जा रहा है एक्सेलरेशन। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, और वो स्टूडेंट जो इस वक्त बराए रास्त हमें देख रहे हैं तो वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं कि कौन से एमसीक्यू का, इस एमसीक्यू का करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए। याद रहे एमसीक्यू नंबर वन का दो स्टूडेंट ने जो है वो आंसर बिल्कुल करेक्ट दिया था, जो कि इनर्शिया था। अब इस एमसीक्यू का आंसर देते हैं किसने सही दिया है। तो आलिया भुट्टो के नाम से एक कमेंट आया है जिसमें लिखा गलत है, एक्सेलरेशन नहीं, वो एजेंसी जो किसी भी बॉडी की स्टेट को चेंज करने की सलाहियत रखे उसे कहते हैं फोर्स। तो एमसीक्यू नंबर टू का करेक्ट आंसर है बी फोर्स, जो कि आलिया भुट्टो के नाम से एक कमेंट आया है जो बिल्कुल करेक्ट है। एमसीक्यू नंबर थ्री की हम बात करते हैं, इफ अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी एन एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस। अगर किसी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई होती है तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। अब इसमें चार ऑप्शन है, अगेंस्ट डायरेक्शन ऑफ फोर्स, बी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, सी परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स,
डी नो एक्सेलरेशन विल बी प्रोड्यूस। चार ऑप्शन है। वो स्टूडेंट जो हमें बड़ा रास देख रहे हैं तो वो इस एमसीक्यू का आंसर इस एमसीक्यू में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। याद रखिएगा एमसीक्यू नंबर वन और टू में एमसीक्यू नंबर वन का सही आंसर लाइव जो है वो दो स्टूडेंट ने दिया है, जबकि एमसीक्यू नंबर टू का करेक्ट आंसर जो है वो सिर्फ एक स्टूडेंट ने जो है वो सही दिया है। तो इसमें कहा जा रहा है कि जब हम किसी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है। चार ऑप्शन इसमें ए में कहा जा रहा है, उसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी उसकी डायरेक्शन जो होगी वो फोर्स के अपोजिट होगी। बी में कहा जा रहा है उसकी जो डायरेक्शन होगी वो फोर्स की डायरेक्शन में होगी। सी में कहा जा रहा है उसकी डायरेक्शन जो होगी वो परपेंडिकुलर होगी फोर्स की। परपेंडिकुलर का मतलब एंगल होगा 90 डिग्री। डी में कहा जा रहा है नो एक्सेलरेशन विल बी प्रोड्यूस, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगी। तो एक कमेंट आए स्टूडेंट का आलिया भुट्टो के नाम से, ये तीसरा एमसीक्यू इनका करेक्ट है जिसमें कहा जा रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। बिल्कुल सही आंसर है बेटा आपका। इसमें कहा जा रहा है कि जब किसी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई की जाती है एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है और उस एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन होती है वो फोर्स की डायरेक्शन के होती है। आसिफ रजा के नाम से कमेंट आया, उसमें कहा गया है ए अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। बेटा आपका आंसर ये रॉन्ग है। याद रखिएगा कि फोर्स जिस डायरेक्शन में अप्लाई होगी, एक्सेलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, उस एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी जो होगी वो फोर्स की डायरेक्शन की ही सेम डायरेक्शन में होगी। जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करोगे उसी डायरेक्शन में ही एक्सेलरेशन होगी। तो इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर है बी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। एमसीक्यू नंबर फोर की तरफ हम आते हैं। एमसीक्यू नंबर फोर, When a force is applied to a body, several effects are possible. Which of the following effect could not occur? हमें कहा जा रहा है कि जब किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई होगी तो कई effects जो हैं वो possible हैं। Which of the following effect could not occur? इनमें से कौन सा effect जो होगा वो नहीं होगा। A में कहा जा रहा है the body rotates, जब force apply होगी तो body rotate करना शुरू करेगी। बी में कहा जा रहा है द बॉडी स्पीड्स अप, बॉडी की रफ्तार में इजाफा हो जाएगा। सी में कहा जा रहा है द मास ऑफ द बॉडी डिक्रीजेस, मास जो होगा उसका कम हो जाएगा। और डी में कहा जा रहा है द बॉडी फेट कर सकते हैं। याद रहे एक स्टूडेंट के अब तक तीनों एमसीक्यू के आंसर करेक्ट आए हैं, जबकि एक स्टूडेंट के एक एमसीक्यू का आंसर जो है वो करेक्ट आया है। तो जब किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई की जाएगी, सेवरल इफेक्ट पॉसिबल हैं, इनमें से कौन सा इफेक्ट पॉसिबल नहीं है। याद रखिएगा नहीं है का मतलब है कि चार में से तीन इफेक्ट पॉसिबल हैं, एक इफेक्ट जो है वो पॉसिबल नहीं है। यानी आपने इसमें से रॉन्ग आंसर को जो है वो सेलेक्ट करना है। तीन ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। इसको ऑप्शन को इसको नजरअंदाज मत कीजिएगा। कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट कुड नॉट अकर, इनमें से कौन सा इफेक्ट नहीं होगा। तो इसमें आपके पास जो है वो करेक्ट, आपके पास हमें इसमें से रॉन्ग सेलेक्ट करना है। तो जब किसी ऑब्जेक्ट पर जो है वो फोर्स अप्लाई की जाएगी तो एक स्टूडेंट का आंसर इस चौथे एमसीक्यू का आंसर भी करेक्ट है। बेटा शाबाश, कांग्रेचुलेशंस, इसका आपका आंसर बिल्कुल सही है। जब फोर्स अप्लाई करेंगे तो बॉडी रोटेट करना शुरू करेगी, बिल्कुल पॉसिबिलिटी है बॉडी रोटेट कर सकती है। आसिफ बेटा आपका बी जो है उस एमसीक्यू का आंसर करेक्ट है, कांग्रेचुलेशंस। बी में कहा जा रहा है द बॉडी स्पीड अप, इसकी स्पीड में इजाफा हो सकता है। सी में कहा जा रहा है द मास ऑफ द बॉडी डिक्रीज, फोर्स अप्लाई करने से मास पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मास जो है वो कांस्टेंट रहेगा। जबकि डी में कहा जा रहा है द बॉडी चेंजेस डायरेक्शन, उस बॉडी की जो रफ्तार होगी इसकी डायरेक्शन में क्या आ जाएगी, तब्दीली आएगी, बिल्कुल पॉसिबिलिटी। तो एमसीक्यू ए बी और डी, ये तीनों एमसीक्यू के आंसर पॉसिबल है। एमसीक्यू नंबर सी, ऑप्शन सी जो है द मास ऑफ द बॉडी डिक्रीजेस, मास पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लिहाजा इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर है सी, जो दो बच्चों ने आसिफ और आलिया भुट्टो के नाम से कमेंट आया है, जो लाइव कमेंट में उन्होंने बिल्कुल सही आंसर दिया, कांग्रेचुलेशंस। आई एमसीक्यू नंबर फाइव, ये थोड़ा सा मुश्किल है, देखते हैं इसका करेक्ट आंसर कौन दे पाता है। इसमें कहा जा रहा है व्हेन अ हॉर्स पुल्स अ कार्ट, द फोर्स दैट कॉजेस द हॉर्स टू मूव फॉरवर्ड इज द फोर्स। हमें कहा जा रहा है एक गोरा जो है, हॉर्स जो है वो कार्ट, गोरा गाड़ी की बात हो रही है, वो उसको पुल करता है, खींचता है। द फोर्स दैट कॉजेस द हॉर्स टू मूव फॉरवर्ड इज द फोर्स, वो कौन सी फोर्स होती है जो गोरे को आगे की तरफ फॉरवर्ड मूव करने में मदद देती है। चार ऑप्शन है, ये एमसीक्यू याद रहे, कॉन्सेप्चुअली काफी मुश्किल है, लेट्स सी किसका करेक्ट आंसर आता है। ए में कहा जा रहा है द कार्ट एक्सर्ट ऑन अ हॉर्स, बी द हॉर्स एक्सर्ट ऑन कार्ट, सी द हॉर्स एक्सर्ट ऑन द ग्राउंड,
डी द ग्राउंड एग्जर्ट ऑन हॉर्स, हमें कहा जा रहा है कि वो कौन सी फोर्स है जो उस गाड़ी को फॉरवर्ड आगे की तरफ लेकर आती है। तो उसका आंसर देखते हैं कौन सही देता है। तो MC5 प्लेयर के नाम से एक MC उन्होंने ऑप्शन सेलेक्ट किया है, सी द हॉर्स एग्जर्ट ऑन द ग्राउंड। याद रखिएगा जब भी घोड़ा आगे की तरफ चलता है तो वो फोर्स जो होता है वो जमीन की तरफ बैकवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई करता है। फोर्स जो अप्लाई हो रही होती है जमीन की तरफ वो बैकवर्ड डायरेक्शन में होती है, जबकि नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द सरफेस जो होता है वो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के तहत रिएक्शन की शक्ल में आता है, जो कि गोरा गाड़ी को आगे की तरफ लेकर आता है। इस MCQ का जो करेक्ट आंसर है वो डी है, द ग्राउंड एग्जर्ट ऑन हॉर्स। याद रखिएगा आसिफ बेटा आपका भी ये ऑप्शन जो है वो गलत है। इसका करेक्ट आंसर जो है वो द ग्राउंड एग्जर्ट ऑन हॉर्स, गोरा जो जमीन का नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द सरफेस जो होता है जो कि रिएक्शनल फोर्स कहलाती है, ये रिएक्शनल फोर्स जो होती है उसे फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या करती है, धकेलती है। लिहाजा इसका करेक्ट आंसर जो है वो डी है, द ग्राउंड एग्जर्ट ऑन हॉर्स, गोरा जमीन पर फोर्स बैकवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई करेगा, जबकि नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द सरफेस जो होगा जो कि ग्राउंड की वजह से प्रोड्यूस होगा वो इसे फॉरवर्ड डायरेक्शन लेकर आएगा। तो इस MCQ का आंसर जो है वो डी है। ये काफी मुश्किल MCQ था, तो बेटा डिसर्ट मत होइएगा जिनका आंसर गलत है। आइए MCQ नंबर 6 में देखते हैं कौन पार्टिसिपेट करता है। व्हेन अ पर्सन जंप्स ऑफ, एक शख्स है जो जमीन पर खड़ा हुआ है वो जमीन से जंप कर रहा है, ऊपर की तरफ छलांग लगा रहा है। अब हमारे पास चार ऑप्शन दिए गए हैं, ए ग्रेटर देन द वेट ऑफ द पर्सन, एक शख्स है जो जमीन पर क्या करता है, जंप्स ऑफ करता है, ऊपर की तरफ छलांग लगाता है। हमें कहा जा रहा है रिएक्शनल फोर्स जो जमीन की वजह से प्रोड्यूस होगी, ए में कहा जा रहा है ग्रेटर देन द वेट ऑफ द पर्सन, वो रिएक्शनल फोर्स जो होगी वो वेट के मुकाबले में ज्यादा होगी। बी में कहा जा रहा है स्मॉलर देन द वेट ऑफ द पर्सन, और ये जो रिएक्शनल फोर्स होगी उस शख्स के वेट के मुकाबले में कम होगी। सी में कहा जा रहा है इक्वल टू द वेट ऑफ द पर्सन, जबकि डी में कहा जा रहा है जीरो। देखते हैं इसका करेक्ट आंसर कौन सही देता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है याद रखिएगा वो जमीन से ऊपर की तरफ आता है, तो उस कंडीशन में जो रिएक्शनल फोर्स होगी वो के मुकाबले में जो है वो ज्यादा होगी, तभी वो छलांग लगाते हुए ऊपर की तरफ आएगा। लेकिन अगर वो जमीन पर खड़ा होता, अगर ये सवाल कुछ इस तरीके से है कि एक शख्स जो है वो जमीन पर स्टैंड किया हुआ है, तो उस कंडीशन में जो आंसर होता वो होता सी इक्वल टू द वेट ऑफ द पर्सन। जब एक शख्स खड़ा हुआ है, MC5 प्लेयर के नाम से कमेंट ऑप्शन आया है सी, बट आपका आंसर जो है वो रॉन्ग है, क्योंकि जंप्स ऑफ जमीन से वो छलांग लगा रहा है, और जमीन से अगर वो छलांग लगा रहा है तो रिएक्शनल फोर्स यानी वो फोर्स जो शख्स को ऊपर की तरफ लेकर आएगी वो उसके वजन के मुकाबले में ज्यादा है। लेकिन अगर वो शख्स सिर्फ खड़ा हुआ है जमीन पर, तो उस कंडीशन में उसका आंसर जो करेक्ट आंसर है वो सी है, इक्वल टू द वेट ऑफ द पर्सन। तो सी आंसर तब होता है जब वो सिर्फ स्टैंड किया हुआ है, अगर वो जंप कर रहा है तो रिएक्शनल फोर्स जो होगी वो वजन के मुकाबले में ज्यादा होगी। MCQ नंबर 7 जो कि आसान है, देखते हैं इसका करेक्ट आंसर कौन दे पाता है लाइव कमेंट में। मोशन ऑफ रॉकेट इन स्पेस इज द एग्जाम्पल ऑफ, एक रॉकेट है जो स्पेस में मूव कर रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है या किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये किसकी एग्जाम्पल है। ए में कहा जा रहा है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, बी में कहा जा रहा है सेकंड लॉ ऑफ मोशन, सी में कहा जा रहा है थर्ड लॉ ऑफ मोशन, और डी में कहा जा रहा है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इस MCQ की उम्मीद है कि इसका आंसर करेक्ट आना चाहिए। तो मोशन ऑफ द रॉकेट, तो आलियान हनीफ के नाम से एक स्टूडेंट ने कमेंट किया है सी, बेटा आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, गुड शाबाश। तो सी, तो मोशन ऑफ द रॉकेट, रॉकेट जो है MC5 प्लेयर बेटा ये आपका आंसर गलत है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन नहीं है। आलियान हनीफ आपका ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। तो इसमें कहा जा रहा है मोशन ऑफ रॉकेट इन स्पेस इज एग्जांपल ऑफ, जो रॉकेट स्पेस में मूव कर रहा होता है ये किसकी एग्जांपल है। तो इसका करेक्ट आंसर है थर्ड लॉ ऑफ मोशन। आसिफ रजा टीवी के नाम से कमेंट है, आसिफ आपका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, कॉन्ग्रेचुलेशन। MC5 प्लेयर ने अपना ऑप्शन चेंज कर दिया है, ओके सी आपका भी बेटा आंसर करेक्ट है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो इस MCQ नंबर 7 का जो करेक्ट आंसर है वो सी है। MCQ नंबर 8 जो है वो थोड़ा सा मुश्किल है, देखते हैं कौन इसका आंसर करेक्ट देता है। पैसेंजर शुड नॉट स्टैंड इन अ मूविंग बस बिकॉज, पैसेंजर जो बस में सवार होते हैं कहा जा रहा है चलती हुई बस में उनको खड़ा रहना नहीं चाहिए बिकॉज। ए में कहा जा रहा है बस मे नॉट मूव फास्ट,
अगर पैसेंजर जो है वो बस में खड़े हैं तो बस तेजी से हरकत नहीं कर सकेगी। बी में कहा जा रहा है बस में बिकम अनबैलेंस, बस अनबैलेंस हो जाएगी। सी में कहा जा रहा है पैसेंजर में फॉल फॉरवर्ड एज बस सडनली स्टॉप, अचानक से जब बस रुकेगी, अचानक से जब बस रुकेगी तो पैसेंजर जो है वो आगे की तरफ फॉल गिर सकते हैं जब बस अचानक से रुकेगी। डी में कहा जा रहा है नन ऑफ दिस। देखते हैं इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर, इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर देखते हैं कौन देता है। तो आसिफ रजा टीवी के नाम से कमेंट आया है, सी ऑप्शन बेटा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जबरदस्त। पैसेंजर में फॉल अक्सा खान के नाम से कमेंट आया है, अली बेलार के नाम से कमेंट आया है। बेटा तीन स्टूडेंट का आंसर जो है वो बिल्कुल सही है, आलिया भुट्टो जिन्होंने शुरुआत के 5 MCQ का आंसर करेक्ट दिए थे उनका भी ऑप्शन जो है वो इस एमसीक्यू में बिल्कुल करेक्ट है, शाबाश। पैसेंजर में फॉल फॉरवर्ड एज बस सडनली स्टॉप, बस अचानक से जब रुकेगी। MC5 प्लेयर बेटा आपका भी आंसर बिल्कुल करेक्ट है, तो बस जो है वो अचानक से जब रुकेगी तो पैसेंजर जो है वो आगे की तरफ क्या हो सकते हैं, गिर सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर जो है वो सी है, बेहतरीन, शाबाश। ये वाहिद एमसीक्यू है जिसका करेक्ट आंसर जो है वो 5 स्टूडेंट ने इस वक्त लाइव कमेंट में दिया है। आइए एमसीक्यू नंबर 9 की तरफ हम बढ़ते हैं। एमसीक्यू नंबर 9 के लिए आपको क्या करना होगा, पेपर और पेन साथ में रख सकते हैं क्योंकि ये कैलकुलेशन वाला सवाल है। देखते हैं इसका कौन करेक्ट आंसर देता है, और ये इसका आंसर लॉजिकली बेस पर, ट्रिक बेस पर भी देना जो है वो पॉसिबल है। तो इसमें कहा जा रहा है अ फोर्स ऑफ 12 न्यूटन गिव्स एन ऑब्जेक्ट एन एक्सेलरेशन ऑफ 4 m/s². हमें कहा जा रहा है कि जब 12 न्यूटन की फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पर अप्लाई होती है तो एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस होती है वो 4 m/s² होती है। आगे कहा जा रहा है द फोर्स रिक्वायर्ड टू गिव इट एन एक्सेलरेशन ऑफ 10 m/s² इज, 12 न्यूटन की फोर्स एक ऑब्जेक्ट पर अप्लाई हो रही है तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है 4 m/s². अगर हम चाहते हैं कि एक्सेलरेशन जो है वो 4 m/s² प्रोड्यूस ना हो, एक्सेलरेशन जो है 10 m/s² जो है वो प्रोड्यूस हो, तो उसके लिए फोर्स कितनी होनी चाहिए। तो याद रखिए इसकी शॉर्ट ट्रिक ये है, याद रखिएगा इन दोनों सिचुएशन में ऑब्जेक्ट जो है वो सेम है, मास कॉन्स्टेंट है, रिलेशन जो बन रहा है वो फोर्स और एक्सेलरेशन के दरमियान बन रहा है। ओके, इस एमसीक्यू के 4 ऑप्शन हैं, ए में 15 न्यूटन कहा जा रहा है, बी में 20 न्यूटन, सी में 25 न्यूटन और डी में 30 न्यूटन। आसिफ रजा टीवी के नाम से जो कमेंट है, बेटा आपका आंसर बिल्कुल सही है, बहुत बिल्कुल सही आया, माशाल्लाह आपकी स्पीड बहुत तेज है। मुझे लगा कि ये कैलकुलेशन वाला सवाल है तो स्टूडेंट जो है वो थोड़ा सा टाइम लेंगे, लेकिन आपकी स्पीड बहुत अच्छी है और उम्मीद है कि आप एप्टीट्यूड में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो वो बच्चे जो इस एमसीक्यू का आंसर नहीं दे पा रहे, बेटा गौर से इसको समझने की कोशिश कीजिएगा कि याद रखिए 12 न्यूटन की फोर्स है और एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है 4 m/s². हमसे पूछा जा रहा है कि कितनी फोर्स चाहिए होगी जो एक्सेलरेशन जो है वो 10 m/s ज्यादा, तो इसका मतलब फोर्स भी हमें क्या चाहिए होगी, ज्यादा चाहिए होगी। पहले के मुकाबले में कितनी ज्यादा, अगर मैं 4 को डबल करता हूं तो 8 हो जाती है, मतलब अब की बार जो है मुझे एक्सेलरेशन जो है वो डबल से भी ज्यादा चाहिए। डबल से कितनी ज्यादा चाहिए, मतलब 2.5 टाइम। अगर 4 को मैं 2.5 से मल्टीप्लाई करता हूं तो एक्सेलरेशन हो जाती है 10 m/s², यानी एक्सेलरेशन 4 m/s² है। हमें इसको 2.5 गुना ज्यादा करना है, तो फोर्स भी क्या करनी होगी, 2.5 से हमें मल्टीप्लाई करनी होगी 2.5 गुना ज्यादा। तो 12 को अगर मैं डबल करता हूं तो 24 हो जाता है, और अगर मैं 2.5 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये हो जाएगा 30। तो ये बगैर कैलकुलेटर शॉर्ट ट्रिक में आंसर देना था इसका, आपने कोई न्यूमेरिकल की तरह इंटरमीडिएट की तरह नहीं, सिंपल देखना था कि एक्सेलरेशन 4 m/s² है, इसको 2.5 गुना ज्यादा कर दिया गया तो फोर्स भी 2.5 गुना ज्यादा होगी। तो 12 को अगर मैं 2.5 से मल्टीप्लाई करता हूं तो इसका करेक्ट आंसर आता है डी, 30 न्यूटन, जो कि माशाल्लाह दो बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर बहुत तेज रफ्तारी के साथ दिए। आखिरी एमसीक्यू आज के इस लाइव सेशन का है, बेटा आप अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगर आपको आज के इस लेक्चर से फायदा हो रहा है तो हम कोशिश करेंगे कि डेली बेसिस पर रोज आधे घंटे का सेशन हम लें जिसमें मुख्तलिफ एमसीक्यू सॉल्व करने की टिप्स एंड टेक्निक हम आपको सिखाएंगे। याद रखिएगा आपका कमेंट हमारे लिए बहुत ज्यादा अहमियत रखता है। तो नंबर 10 में कहा जा रहा है, देखते हैं इसका एमसीक्यू का करेक्ट आंसर कौन देता है। व्हेन अ ट्रेन स्टॉप्स सडनली द पैसेंजर इन द ट्रेन फील अ जर्क इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, दिस इज बिकॉज, एक ट्रेन है जो अचानक से रुक जाती है
और जो पैसिव फॉरवर्ड डायरेक्शन में दिस इज बिकॉज, अब चार बड़े बड़े ऑप्शन दे दिए गए। और याद रखिएगा एप्टीट्यूड में इस टाइप का बड़ी साइज का एमसीक्यू होता है, वो बच्चों को परेशान रखता है। तो आप बेटा तसल्ली से इसके ऑप्शन को समझिएगा। ए में कहा जा रहा है इनर्शिया ऑफ रेस्ट स्टॉप द ट्रेन एंड टेक्स द बॉडी फॉरवर्ड। इनर्शिया जो होती है ट्रेन की रेस्ट वाली, वो बॉडी को फॉरवर्ड की तरफ लेके जाती है। बी में कहा जा रहा है द बॉडी द बैक ऑफ सीट पुशेस द बॉडी फॉरवर्ड, यानी ट्रेन अचानक से रुकती है ना, तो सीट जो होती है कह रहे हैं इस ऑप्शन में कि आगे की तरफ धक्का लगा रही है। जबकि सी ऑप्शन में कहा जा रहा है द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी कंटिन्यूस टू बी इन द स्टेट ऑफ मोशन वेयर एज द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी विच इज इन कॉन्टेक्ट विद द सीट कम्स टू रेस्ट। इसमें कहा जा रहा है कि जब अचानक से ट्रेन रुक जाती है और आगे की तरफ झटका लगता है, तो इसमें यह कहा जा रहा है कि वो जो शख्स पैसेंजर जो ट्रेन में बैठा हुआ है उसका ऊपर वाला हिस्सा जो होता है। ओके, आलियान हनीफ ने ऑप्शन ए कहा है, बेटा इसका रॉन्ग आंसर है ये। इसका जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट ऑप्शन जो है वो सी है। इसमें कहा जा रहा है द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी कंटिन्यूस टू बी, बॉडी भी जो पूरी की पूरी है। आसिफ रजा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सिद्रा सफदर हमारे इस लाइव कमेंट के सेशन में एक न्यू स्टूडेंट है, बेटा आपका आंसर भी इस ऑप्शन का करेक्ट है। तो इसमें जब ट्रेन चल रही होती है तो उस बॉडी का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है वो मोशन में होता है, लेकिन ट्रेन अचानक से जब रुक जाती है ना, तो उसका लोअर हिस्सा जो कि उसकी जमीन के साथ कॉन्टेक्ट में होता है वो अचानक से रुक जाता है। मतलब उस पैसेंजर का अपर पार्ट जो होता है वो मोशन में होता है, जबकि लोअर पार्ट जो है वो जो जमीन से कांटेक्ट में होता है वो अचानक से क्या हो जाता है, रेस्ट में आ जाता है, जिसकी वजह से आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में जर्क लगता है। आलिया भुट्टो का आंसर भी जो कि इस कमेंट में थोड़ा लेट आया है, ओके आपका ऑप्शन भी करेक्ट है। तो डी में कहा जा रहा है नन ऑफ दिस। तो एमसीक्यू नंबर 10 जो है इसका करेक्ट आंसर है वो सी है। वो स्टूडेंट जो ब्लाइंड गेस लगाते हैं, तो उनको हम यहाँ थोड़ी सी टिप दे देते हैं कि बेटा अक्सर इस टाइप का लेंदी एमसीक्यू होता है, याद रखिए मैं ब्लाइंड गेस की बात कर रहा हूँ, जब आपके पास जो है वो कोई और रास्ता ना हो, बस आपने तुक्का लगाना है, तो उस तुक्के के लिहाज से अगर मैं बात करूँ तो वो एमसीक्यू जो मेरा मेडिकल कॉलेज का तजर्बा रहा है कि उसमें वो ऑप्शन जो बहुत ज़्यादा डिटेल होता है, याद रखिएगा ये टिप आपने एग्जाम में अप्लाई नहीं करनी, सिर्फ ब्लाइंड गेस की बात हो रही है, एजुकेटेड गेस की बात नहीं, वो एमसीक्यू जो बहुत ज़्यादा डिटेल लंबा ऑप्शन होता है, अक्सर औकात इस किस्म के सवाल का करेक्ट आंसर जो होता है वो ये होता है। तो जब भी ऐसा सवाल आए जहां आपकी मजबूरी हो, आपको नहीं आ रहा हो, और मजबूरन अगर आपको सही आंसर देना भी जरूरी हो, मतलब आपने उस एमसीक्यू में पार्टिसिपेट करना भी जरूरी हो, तो आप क्या कर सकते हैं, वो ऑप्शन जो सबसे बड़ा हो वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये सेशन हमारा आज का ये समझ में आया है, पसंद आया है, तो बेटा आप कमेंट जरूर कीजिएगा, आपका कमेंट हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। याद रखिएगा कल ठीक 11 बजे हम बहुत सारे एमसीक्यू के साथ, ओके आलिया भुट्टो ने लिखा है इट्स वेरी गुड, थैंक यू फॉर दिस। और एक और स्टूडेंट लिखा है माशाल्लाह सर आप बहुत खूब कामयाब करें, फ्री एप्टीट्यूड क्लास ऑनलाइन दे रहे हैं, थैंक यू सो मच। याद रखिएगा कल ठीक 11 बजे के टाइम पर हम देखिए, आज का ये सेशन जो था वो ट्रायल बेस्ड था, तो इसमें हमने सिर्फ 10 एमसीक्यू रखे। कल इंशाल्लाह आधे घंटे या एक घंटे का जो सेशन होगा उसमें हम कोशिश करेंगे कि 50 से 60 एमसीक्यू वहाँ हम एक्सप्लेन करेंगे, और उसमें लाइव सेशन में जो स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बेटा गलत आंसर देने से मत घबराइएगा, आप लाजमी बेझिझक, हम नहीं जानते कि कौन सा स्टूडेंट गलत आंसर दे रहा है कौन सा नहीं, तो आप पार्टिसिपेट ज़रूर कीजिएगा। याद रखिएगा गलती से ही इंसान सीखता है, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि रोज़ाना, रमज़ान की बात हो रही है, रोज़ाना रात 11 बजे हम बराए रास्त 50 से 60 एमसीक्यू को लाइव सेशन में यहाँ डिस्कस करेंगे, तो उसे मिस मत कीजिएगा। अपने स्टूडेंट अपने दोस्तों से ज़्यादा शेयर नोटिफिकेशन रिसीव करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल सिनबॉट टीचिंग को आप सब्सक्राइब करके रखिएगा। जैसे ही हम लाइव से सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को क्लिक करने से हमारी अपलोड करदा तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन आपको रिसीव होंगी। जैसे ही हम लाइव सेशन में आएंगे आपको नोटिफिकेशन रिसीव हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह